सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई वीडियो पे। सो दोस्तों, फाइनली हम लोगों का सेकंड यूट्यूब चैनल यानी कि रोहित ऑन पॉइंट का भी अब हम लोगों का गूगल एडसेंस पिन दोस्तों आ चुका है। एंड इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही आ पाया है। और मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया है, मतलब कि फाड़ के नहीं देखा कि इसके अंदर मतलब क्या कुछ पिन आने वाला है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर इसे अनबॉक्स करूंगा, आप लोगों के साथ मिलकर ही मैं इसे फाड़ूंगा कि इसमें मतलब कौन सा पिन आया है। और इस वीडियो को जो भी नए क्रिएटर देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस पिन आने के बाद जो है क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आप लोगों से, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हाँ जी, ये जो आप लोग एडसेंस पिन देख रहे हैं ये मेरे पास 2 से 3 दिन पहले ही आ गया था, और मैंने इसको अप्लाई किया था 13 मई 2022 को। और YouTube का ये रूल रहता है कि जिस दिन आप अप्लाई कीजिएगा उससे 2 से 4 हफ्ता में जो है आपका एडसेंस पिन आ जाएगा। और अगर आपका बाय चांस नहीं आता है तो आप लोग इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग इसको 3 बार रीअप्लाई कर सकते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की कृपा से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने अप्लाई किया उससे 13-14 दिन बाद यानी कि 2 हफ्ते के अंदर में जो है मेरा ये एडसेंस पिन आ चुका है, और मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया है यानी कि इसको फाड़ कर नहीं देखा है कि इसके अंदर मतलब कौन सा पिन है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोगों के साथ ही साथ मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसकी जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से होता है ये गूगल एडसेंस पिन। और ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कहाँ से आया है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, बाकी ऊपर में जो है मेरा डिटेल वगैरह लिखा हुआ है, मतलब कि मेरा एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह। और दोस्तों एक और बात आप लोग को बता दूँ कि जब भी आप लोग एडसेंस पिन को अप्लाई कीजिएगा वहाँ पर आप लोग को फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोन नंबर वहाँ पर दीजिएगा ही, साथ ही साथ जो आप लोग को एड्रेस का ऑप्शन आएगा वहाँ पर भी आप लोग अपने फ़ोन नंबर को दे दीजिएगा, ताकि पोस्टमैन जो है आपको इजिली कॉल कर सके और आपका जो है ये एडसेंस पिन आप तक अच्छी तरीके से डिलीवरी कर सके। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर YouTube की तरफ से जो है 3-4 स्टेप दिए गए हैं, जो कि मैं आप लोगों को एक्चुअल में लैपटॉप में डालते टाइम दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर जो है 6 डिजिट का पिन नंबर है जो कि इसे ही वहाँ पर डाला जाता है, और इसे डालने के बाद दोस्तों आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। सो दोस्तों अभी मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ, और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस पिन आने के बाद आप अपने एडसेंस पिन के थ्रू जो है अपने एड्रेस को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली से दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपना गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिस दिन मैंने पिन अप्लाई किया था उस दिन का यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आपका एडसेंस पिन कितने से कितने दिन में आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं जो कि 2 से 4 हफ्ते में जो है आपका एडसेंस पिन आ सकता है, जिसके बारे में मैंने तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। सो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, एंड साथ ही आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई का भी ऑप्शन दिख ही रहा होगा। तो ये जो वेरीफाई का ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको तब मिलता है जबकि आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है एंड आपका गूगल एडसेंस पिन आपके तक पहुँच जाता है, इसके बाद ही जो है आपको ये वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, उससे पहले आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। सो चलिए हम लोग फटाफट से अपने एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, एंड यहाँ पर आप लोग को वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप लोगों को उस पर जो है क्लिक कर देना है। सो उस वेरीफाई के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, एंड यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है। पहला तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है, जो कि पहले ही मैंने कर रखा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, अपने बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह डालना पड़ता है। एंड सेकेंड जो है एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए आता है, जो कि आपको यहाँ पर अपना पिन एंटर करना है। सो यहाँ पर जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है इसमें सिंपली आपको अपने 6 डिजिट का पिन को यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैं अभी डाल देता हूं। सो मैंने यहां पर अपने 6 डिजिट का पिन को डाल दिया है, जो कि मुझे गूगल एडसेंस की ओर से आया था, वो 6 डिजिट का पिन जो है मैं यहां पर एंटर कर चुका हूं। अब एंटर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे जो यहां पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाता है, एंड कुछ इतना ही जो है प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ता है गूगल एडसेंस पिन आने के बाद।
सो दोस्तों मैं अब आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैं आप लोगों से इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, तो अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो दोस्तों मैंने जो है चेक किया है अपने चैनल पे, तो मेरे जो ज़्यादातर व्यूवर हैं वो नए क्रिएटर हैं, मींस जो है नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, जो कि नया नया जो है यूट्यूब पर करियर बनाने के लिए आए हैं, तो मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो नए क्रिएटर ही हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होगा और साथ ही साथ मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट भी कर सकूँ। सो दोस्तों मैंने जब इस चैनल को ओपन किया था यानी कि 12 जनवरी 2022 को, तभी मैंने नहीं सोचा था कि इस चैनल को मैं 5 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लूँगा, वॉच टाइम पूरे कर लूँगा, चैनल को मोनेटाइज कर लूँगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। सो दोस्तों आप लोग इसको 5 महीने की तरह मत देखिए, क्योंकि इसके पीछे मेरा 1.5 साल का मेहनत छुपा है, जो कि मैंने अपने उस चैनल मेन चैनल यानी कि आरपी ऑटोमोबाइल पर किया है। सो 1.5 साल में मैंने उस चैनल से एडिटिंग सीखा, कुल मिला के मैं अपना स्किल को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया और मैंने जो है उस चैनल से काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, तब जाके इस चैनल को जो है मैंने 5 महीने के अंदर मोनेटाइज कर पाया। और उस चैनल पे मैं लगातार मेहनत करता रहा, उस पे व्यू नहीं भी आते थे, फिर भी दोस्तों मैं उस पे कंटिन्यू बना रहा, क्विट मैंने नहीं किया। और आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी क्विट मत कीजिए, आप लोग कंटिन्यू जो है यूट्यूब चैनल पर रेगुलर अपडेट रहिए, जैसे कि मैं रहता हूँ। तो मतलब मैं यहाँ पर इस चैनल पे 1-2 दिन में वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों सिंपल भाषा में कहूँ तो आप लोगों को एक्सक्यूजेस देना बंद करना पड़ेगा, यानी कि बहाना मारना बंद करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, तो मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे पास सिर्फ एक ये माइक है, बाकी आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी फ़ोन से ही शूट हो रहा है और मेरे पास भी कोई भी यहाँ पर स्टूडियो नहीं है। आप लोग देख ही रहे हो ना, मैं कभी छत पर शूट करता हूँ, कभी खेत चला जाता हूँ, तो मेरे पास भी यहाँ पर मतलब कि कोई भी सेटअप वगैरह नहीं है। सो दोस्तों आप लोगों को बहाना मारना बंद करना पड़ेगा कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये जो है बहाना मारना बंद करना पड़ेगा और उसके जगह आप लोगों को अपने स्किल पे काम करना है, यानी कि एडिटिंग आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करना है, थंबनेल आप लोगों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है। साथ ही आप लोगों का जो पिछला वीडियो था, ट्राई कीजिएगा आप अपने पिछले वीडियो से और बेहतरीन बनाने का ट्राई करें अगले वीडियो को, और अपने आप को आप जितना ज़्यादा इम्प्रूव कीजिएगा आपका चैनल उतना ज़्यादा ही ग्रो करेगा। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लोग इन बातों को अपने वीडियोस पे अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा। तो कुछ यही बातें था दोस्तों जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ, बूम।